पे सब धक्का मार रहे हैं बस को, बस स्टार्ट नहीं हुई अभी तक। ट्रॉली लेके घूम रहा हूँ और अभी तक कुछ नहीं लिया, पूरी खाली है। अभी एक ट्रॉली कहीं छोड़ के भाग जाऊंगा। ये देख के आपको क्या लग रहा है, ये आर्टिफिशियल है या ओरिजिनल है? मैच स्टार्ट हो गया है बिटवीन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। सो आज है फ्राइडे, जुम्मा का दिन। तो अस्सलामुअलैकुम, कैसे हो आप सब? वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सऊदी में फ्राइडे जुम्मा का दिन जो होता है वो सबके लिए ऑफ होता है, बट मेरे लिए जो होता है वो मेरे लिए व्लॉग डे होता है। तो आज मैं थोड़ा थोड़ा करके व्लॉग बनाऊंगा, क्योंकि मुझे वीक में सिर्फ यही दिन मिलता है जब मैं व्लॉग बना सकता हूँ। तो अभी देखते हैं क्या हो सकता है, मैं आपको क्या बता सकता हूँ। आज के दिन बहुत सारा काम है, अभी तो मैं जा रहा हूँ ऑफ़िस, थोड़ा उधर जाके ऑफिस में जाके काम करता हूँ, उसके बाद में फिर नमाज़ पढ़ेंगे, खाना खाएंगे, फिर उसके बाद मैं जाऊँगा बैंक के बाद फिर देखते फिर क्या करना है उधर, फिर से आके फिर यहाँ पे क्रिकेट भी खेलना है, यही रोड है जहाँ पे क्रिकेट खेलना है। बहुत कुछ होने वाला है, आज भी थकूँगा जैसे डेली थकता हूँ, फ्री टाइम है ही नहीं कि रेस्ट कर लूँ। अभी व्लॉग भी बनाना है, जॉब भी करना है, सब कुछ करना है, देखते आज क्या क्या होता है, आपको बताता हूँ। आज लगता है आज छुट्टी होने वाली है, क्योंकि किरुआ भाई बस स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं सिर्फ वो मेरा व्लॉग देख के डर जाते हैं कि ये वीडियो बनाने लगता है भाई से बस स्टार्ट नहीं हो रही है, कब से सेल्स दे रहे हैं। यहाँ पे बैटरी देखने के लिए लॉक खोल रहे और लॉक भी नहीं खुल रहा है, लगता है छुट्टी हो जाएगी, सब खड़े हैं यहाँ पे। बेचारा कब से मेहनत कर रहा है। यहाँ बस का ऑपरेशन चालू है, क्योंकि बस अभी तक स्टार्ट नहीं हुई है। ये धक्का मारने के लिए उसका लॉक खोला जा रहा है, फिर धक्का मारेंगे। यहाँ पे सब धक्का मार रहे हैं बस को, बस स्टार्ट नहीं हुई अभी तक, धक्का मारे जा रहे हैं। बस स्टार्ट हो गई फाइनली, अब जाएंगे ऑफिस। तो फाइनली रूम पे आ गया हूँ नमाज पढ़ने के लिए, नमाज का टाइम हो गया है, तो अभी जाएंगे नमाज के लिए। उसके पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, तो आप फटाफट से ये देख लो, फिर मैं जाता हूँ नमाज के लिए। तो ये है सऊदी रियाल, 500 रुपीज़ यहाँ का, 500 तो उसको मल्टीप्लाई कर दो 22 से, तो कुछ ये हो जाएगा 11,000। उसके बाद ये है 100 रुपीज़, तो कुछ हो जाएगा 2200। और ये है 200 का नोट, इसको भी कर दोगे तो कुछ 4,400 हो जाएगा। और ये 5 की नोट है, ये 10 की नोट है, और ये 50 की नोट है। तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट नोट हैं यहाँ की, और यहाँ की करेंसी के अकॉर्डिंग इंडिया की करेंसी बहुत ही पीछे है। तो ये नोट दिखाना सिर्फ आपको चाहता था कि ऐसी ऐसी नोट होती है, और मैं पूरी नोट नहीं दिखाया, नहीं तो लोग उसको काउंट करने लगते, फिर मल्टीप्लाई करते और पता चल जाता कि इसके पास कितना पैसा है, इसलिए मैं सिर्फ एक एक ही नोट दिखाया। अभी नमाज के लिए जा रहा हूँ, वजह बना चुका हूँ, और गर्मी बहुत ज़्यादा है, मोबाइल इतना हीट हो रहा है कि वीडियो रिकॉर्डिंग मेरी ऑन नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा हीट हो रहा है। मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में। तो मेरा बैंक का काम हो चुका है, और जो काम करना था अल्हम्दुलिल्लाह वो हो चुका है। अब मैं सोच रहा हूँ मैं वापस कंपनी जाऊँ कि नेस्टो मार्केट जाऊँ। नेस्टो यहाँ से सिर्फ 5 मिनट वॉकिंग पे है, बट धूप इतनी ज़्यादा है मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा, मोबाइल बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। देखता हूँ क्या करते हैं। जा रहा हूँ नेस्टो मार्केट की तरफ, क्योंकि मुझे सिर्फ फ्राइडे को ही टाइम मिलता है ब्लॉग बनाने के लिए, और कोई दिन मिलता नहीं है। तब मैं इतना टाइम निकाल कर आया हूँ, नींद ख़राब कर कर आया हूँ, तब मैं जाता हूँ वहीं आगे। यहाँ के रोड देख लो आप,
कहीं एक खड्डा नहीं दिखेगा। इतनी स्पीड में यहाँ पे कार चलती है ना, और साफ सफाई देख लो यहाँ पे। ऐसी सफाई देख के हमारा खुद मन नहीं करता है कि यहाँ पे कुछ कचरा फेंके। नेस्टो, ये यहाँ से पूरा वहाँ तक के नेस्टो है। गर्मी बहुत है, रोज़ा लग गया, ऐसा लग रहा है रोज़ा लग गया, इतनी प्यास लगी है। जाते के देखता हूँ क्या पीने मिलता है। बाहर से ही आपको दिखा सकता हूँ, अंदर से वीडियो बनाना ममनू है, मना है, तो अंदर से कुछ दिखा नहीं सकता, तो बाहर से ही दिखा दूँगा। गया मैं नेस्टो के पास, अब जाता हूँ अंदर और आपको बताता हूँ क्या क्या है यहाँ पे। सब ऑफ़र दिया हुआ है, कुछ मिलेगा तो ले लूँगा, नहीं तो वीडियो बना के घर। अंदर से कुछ ऐसा दिखता है नेस्टो, ज़्यादा नहीं दिखा पाऊँगा, वीडियो बनाना मना है, थोड़ा दिखा सकता हूँ। तो यहाँ पे सब मीट और बीफ है। मुझे ये चिकन लेग पीस दिखा जो 10 रियाल का है, और ये ड्रम स्टिक था जो 14 रियाल का है, और यहाँ पे कलेजी भी है, गुड़दा कलेजी। ना क्या क्या मिल रहा है यहाँ पे, सब कुछ है यहाँ पर। अंडे दर्जन से नहीं मिलते, पूरी पूरी ट्रे मिलती है यहाँ, उसका प्राइस है 15 रियाल 16 रियाल, पूरी एक ट्रे लेना पड़ेगी। और यहाँ के अंडों पे ना एक्सपायरी डेट लिखी होती है, मैन्युफैक्चरिंग डेट एक्सपायरी डेट। ये सब पूरे अंडे यहाँ पर अलग अलग कंपनी के सेक्शन है। यहाँ पे पूरी मछली मछली है, पूरी मछली है यहाँ से वहाँ तक, फ्रोजन किया हुआ है पूरा। तो चीज़ पास्ता मिलता नहीं था, तो यहाँ पे भी नहीं मिलेगा। अभी कहाँ मिलेगा क्या पता, यहाँ पे भी नहीं है चीज़ पास्ता। मिलेगी नूडल्स, ये सब मसाला चाइनीज़ वाइनीज़ है, चीज़ पास्ता कहीं नहीं मिल रहा। यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, कहीं नहीं मिल रहा। क्रीम, फेस वॉश, स्क्रबर, सब कुछ है यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा सब भरा हुआ है। फेरेरो रोचर 45 की, और यहाँ पे छोटी वाली है कुछ 14 की है, 21 की है। यहाँ पे सब चॉकलेट्स है। कमी फिर भी इतनी बड़ी बॉटल 1 रियाल की, मतलब कुछ 21-22 रुपए की, और हमारे यहाँ 20 रुपए की 1 लीटर, और ये कुछ 1.5 लीटर है। सब कोल्ड ड्रिंक्स सॉफ्ट ड्रिंक्स है यहाँ पे, पीने का बहुत मन कर रहा है, गर्मी से आए हो। ये है फ्रूट सेक्शन, ऑरेंज है, एप्पल है यहाँ पर, यहाँ पे वाटरमेलन है। यहाँ के वाटरमेलन कितने बड़े बड़े हैं देखो, कितने बड़े बड़े वाटरमेलन हैं, सब ओरिजिनल। हमारे इधर डुप्लीकेट मिलता है। यहाँ पे वेजिटेबल्स, ग्रीन बनाना, लींबू देखो यहाँ के, ये एक लींबू। वाटरमेलन की प्राइस देखो सिर्फ 2 रियाल, 40-42 रुपए का सिर्फ इतना बड़ा एक वाटरमेलन। मसला ये है सिर्फ उठा के लेके जाने भारी पड़ेगा। मेरा भी मन हो गया कुछ परचेस करने का, मैं भी ट्रॉली लेके आ गया, अब कुछ परचेस करता हूँ यहाँ से। और टाइम से इडली नहीं खाया हो तो इडली का सांचा दिख गया है यहाँ पर। हमें गलत सेक्शन में आ गए, या मेरा कुछ काम नहीं है, जाता हूँ यहाँ से। ट्रॉली लेके घूम रहा हूँ और अभी तक कुछ नहीं लिया, पूरी खा ली है, अभी एक ट्रॉली कहीं छोड़ के भाग जाऊँगा। फाइनली 2 पोटैटो बिस्किट लिया हूँ इतने बड़ी ट्रॉली में। यहाँ पे सब पार्ले जी है, मोनाको है, मैरी गोल्ड है, गुड्डे है, सब कुछ है। ये किसकी किसकी फेवरेट है, ऑरेंज जलेबी, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, पता नहीं कब की रखी होगी, 3 रियाल की है। और ये सॉन्ग तो और दिमाग ख़राब कर रहा है, कॉपीराइट आएगा। अनसॉल्टेड बटर 1/2 kg का है, 10 रियाल का। और ये कुछ 6 रियाल का है, ये भी कम वेट है। और ये फूड स्लाद दिख रहा है कुछ 5 रियाल का। ये देख के आपको क्या लग रहा है, ये आर्टिफिशियल है या ओरिजिनल है? मुझे तो आर्टिफिशियल ही दिख रहा है, देखो ओरिजिनल तो दिख रहा ही नहीं है, इतनी इसकी क्वालिटी अच्छी है। ये देखो पता नहीं किसके है, यहाँ पर लिखा है फ्रे कॉल। और ये अंडे देखो, डिफरेंट डिफरेंट, ये तो बतख के अंडे, बड़े बड़े बतख बना हुआ है इसलिए बता दिया। कितनी वैरायटी, ये तो ब्राउन है, ये देसी मुर्गी के होंगे, कितने बड़े बड़े हैं।
मैंने बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर ली, आप देख सकते हो क्या क्या परचेज किया है। एक ही है जो इतना बड़ा है, टाइड। तो से निकल के आ गया, ये भाई आया था लेने के लिए, अब मैं आ गया दुबई मार्केट। अब जा रहा हूँ दुबई मार्केट के अंदर कुछ पीने के लिए, वहाँ से कुछ पीने के लिए मिल जाए, बहुत प्यास लग रही है। अब यहाँ आके अंदर आके देखते क्या मिलता है। ये यहाँ का दुबई मार्केट, पीने के लिए कहाँ कुछ। वो थोड़ी बहुत शॉपिंग करके ये भाई आए थे, ये गाड़ी लेके मेरे को पिकअप करने। अभी जाता हूँ, बस में सामान रखता हूँ और अंदर जाता हूँ। मैच स्टार्ट हो गया है बिटवीन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इंडिया वाले और पाकिस्तान वाले मिलकर खेल रहे हैं, तो यहाँ पर मैच खेल रहे हैं। ऑलमोस्ट एक मैच फिनिश होने आया है, बट मैं वीडियो बनाना ही भूल गया, खेल में इतना पागल हो गया था। और हम लोग हारने वाले हैं, नेक्स्ट मैच देखते क्या होता है। सो क्रिकेट भी हो गया, आप देख सकते हो रात हो गई है, मैं वीडियो बनाया ही नहीं। क्रिकेट खेलने के बाद मगरिब हो गई, नमाज़ पढ़ने के बाद फिर खाना भी हो गया। मुझे जाना था सलून में हेयर कट के लिए, बट मैं इतना टायर्ड हो गया ना आज सुबह से, इतना टायर्ड हो गया कि मेरा मन नहीं हो रहा है। सच बोलूँ तो जब से मैं वो सलून वाले का प्राइस सुना हूँ तो मेरा और मन नहीं हो रहा है। यहाँ पे कुछ बाल काटने के 15 रियाल लेते, तो वो कुछ होते 330 रुपये या 300, लमसम इतने ही होते हैं। तो मैं हैरत में पड़ गया, 300 रुपये एक बाल काटने के दूँ? तो मैं नहीं गया, इंशाल्लाह कल जाऊँगा, बट कटाना तो है। अब यहाँ आया तो कटाना तो है कैसे भी, तो कल कटाऊँगा। तो अभी सोने की तैयारी, कल से वही रूटीन स्टार्ट हो जाएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्राइडे को न्यू ब्लॉग के साथ। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और आप तो सपोर्ट करते ही हो, और जितना हो सके और सपोर्ट करो मेरी वीडियो को। मिलते हैं ऐसे किसी दूसरे ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय।